इधर कोरबा में महिला समूह से 120 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में शुक्रवार को अलग अलग घटनाक्रम सामने आया है। इसकी तीन तस्वीरें आपको बताते हैं, यानी कि तीन घटनाक्रम। पहली तस्वीर आप देखिए कोरबा की है, जहां पर फ्लोरा मैक्स कंपनी की महिला लीडर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मृतका का नाम भगवती बाई बताया जा रहा है। तीन दिनों से बीमार रहने के बाद अचानक घर में उसकी लाश संदिग्ध परिस्थिति में मिलती है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोरबा की है। यहां छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने ठगी के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। मामले की गहराई से जांच की गई। आयोग ने एक टीम का गठन अब कर दिया है। टीम कोरबा में कैंप लगाकर पीड़ित महिलाओं से आवेदन और शिकायतें इकट्ठा करेगी। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जांजगीर की, यानी घटना जांजगीर की है, जहां पर फ्लोरा मैक्स कंपनी में 2700 महिलाओं से 8 करोड़ की ठगी के मामले में तीन आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो महिला समूहों से अलग अलग ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। 120 करोड़ से ज्यादा की ठगी पूरे प्रदेश में महिला समूहों से किया जा रहा है। तो यानी आप ये मान के चलिए कि जो ठग हैं वो महिला समूहों को अपना निशाना बना रहे हैं, और ऐसे में प्रदेश में जितनी सशक्त महिलाएं हैं जो महिला समूह चला रही हैं, उनसे विशेष तौर पर आईबीसी 24 की अपील की, ठग सक्रिय हैं और उनसे ज्यादा सक्रिय आपको होना है, सजग और सतर्क आपको होना है, क्योंकि ठग आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सतर्कता के साथ उनका सामना करिएगा और किसी तरह के झांसे पे ना आए। इस क्षेत्र में महिलाओं के साथ जो एक व्यापक ठगी हुई है, ये सब मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे प्रकरण को हमने आज स्वतः संज्ञान में लिया। जितनी पीड़ित महिलाएं हैं उन सब की तरफ से मामला दर्ज करने की आवश्यकता है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इकट्ठा सारी महिलाओं की भीड़ ना आए इसका इंतजाम करने के लिए वो शासन से अनुमति लेने के बाद में हमको सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। चांपा थाना क्षेत्र में फ्लोरा मैक्स सर्विसेज के नाम पे जो है एक ब्रांच खोला गया था, जिसका मुख्यालय कोरबा में है, और इनके द्वारा जो है महिलाओं को स्वरोजगार देने का झांसा देकर उनसे 30,000 रुपए जमा कराए जाते थे। उसमें कार्रवाई की जा रही है, तीन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है।